सुप्रभात मित्रों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ आज का दिन बढ़िया जाएगा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेखा मनसाड़ा, या मनसाड़ा बोल सकते हैं। हम यहाँ पे सुबह निकल गए थे हेमिश नेशनल पार्क के लिए। अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचना बाकी 24-25 किलोमीटर और है। परंतु हम जब रास्ते पर चल रहे थे तो हमारे को एक चीज़ देखने मिली, ये है संगम। संगम कहेगा तो आपको दिखाते हैं। संगम है यहाँ पे इंडस यानी सिंधु और जंस्कार रिवर का, अगर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो ये है इंडस और उधर से आ रही है आपकी जंस्कार। तो एक थोड़ा ग्रीनिश है, एक मटमेला कलर है। और यहाँ से सीन देखिए, और गजब का सीन है। एंड रियली बहुत ही खूबसूरत रोड, बहुत ही गजब की रोड बनाई है। परंतु ये आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड एरिया है, और देख सकते हैं पहाड़ों को काट के बनाया, तो ये होना ही है। तो या गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों को बचाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रोड चाहिए मानते हैं, परंतु कुछ और तरीका भी यहाँ निकालना चाहिए जिससे कि लैंडस्लाइड भी ना हो और नेचर भी डिस्ट्रक्ट ना हो। तो और यहाँ से अभी हम पहुँचेंगे हेमिस, और बीच बीच में इतने खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं कि रुक जाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर ले आप अभी तक नहीं आए ना तो ले का प्रोग्राम बना लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। हम बता देते हैं, यहाँ से हमारा है अब 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर बचा है। एंड या पहुँचते हैं और होगा तो आपको भी दिखाएंगे रोड्स और खूबसूरती यहाँ की। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए गाइस, खूबसूरती देखिए। ओए हो, सामने हरियाली है, क्या ही लग रहा है। मतलब पूरा बंजर और उसमें हरियाली, क्या खूबसूरत है। और रोड्स गजब गजब गजब। चलिए मिलते हैं आगे। ऐसा है कि कोई रोड नहीं है, मतलब नेशनल पार्क के अंदर अगर जाना है तो ऐसा कोई रूट नहीं बना रखा। सो बाहर बाहर से ही मेन रोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ खास इन्होंने कर नहीं रखा है। तो या अभी हम यही नेशनल पार्क के इधर ही घूम रहे हैं, और यहाँ पे हमारे को कुछ चिड़िया मिल गई, तो कुछ फोटोग्राफी हुई, थोड़ी खुशी हुई। नहीं तो लग रहा था कि समय हमारा आज का खराब हो गया बेफालतू में, इतनी दूर आए है, कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अगर आप हेमिश नेशनल पार्क की सोच रहे हैं आने की, तो यहाँ आपको कोई ऐसा रूट नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर लग रहा तो आपको मिल सकता है। पर जगह बहुत खूबसूरत है। और अभी हम जहाँ हैं, जिस रूट से आए हैं, वहाँ पे नो ह्यूमन है, मतलब एक भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल साइलेंट है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से। बढ़िया रोड तो बढ़िया बनी हुई है। और नेचर बहुत अच्छा है, इकोसिस्टम अच्छा है, बर्ड्स बहुत हैं जो हमारे को दिख गई है, और बहुत खूबसूरत है। सो लेट्स सी, कुछ अगर फोटोग्राफी होती और तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं। सो मैंने यहाँ पे पूछा कि कोई तरीका है क्या इन पहाड़ियों पर, इन जंगल को एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ के लोकल्स का कहना है कि ऐसा रास्ता कोई भी नहीं है, जस्ट ये जो आपको पक्का रास्ता दिख रहा है या जो थोड़े बहुत कच्चे रास्ते हैं वही रास्ते हैं, और ऐसा कोई अंदर जंगल जाने में के लिए कोई रूट नहीं बना रखा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, और मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कि ये
अच्छे से डेवलप कर रखा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही है हेमिश नेशनल पार्क, और इस सबसे हाई एल्टीट्यूड पे ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर एनिमल्स बहुत हैं, बर्ड्स बहुत हैं, और यहाँ का ओवरऑल जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब यहाँ बंजर भी है थोड़ी, पेड़ पौधे भी हैं, और बहुत ही डिफरेंट यहाँ का नेचर है। तो और अच्छा लगा यहाँ आकर, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए परंतु ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ है और हाँ नई जगह थी हमारे लिए। हमारे को जितना मालूम था, जितनी हमारे को नॉलेज मिली थी, तो उससे हमारे को यही लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रूट है, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। बस कुछ नहीं, होता रहता है, आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो बल हो गया हमारा हैमिश नेशनल पार्क, और जितना हमारे को जितनी बर्ड्स मिली, जितनी भी चीज़ें मिली, हमने कैप्चर कर लिया। तो एक बार आप भी देख लीजिए इस हैमिश नेशनल पार्क को, और अगर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये पूरा हैमिश नेशनल पार्क है, तो यही आपको हैमिश नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और यही है सारी। वेल होप इन फ्यूचर कभी हम यहाँ पे स्नो लेपर्ड को भी देख पाएँ, और ज़्यादा एनिमल्स को यहाँ देख पाएँ, और कुछ तरीका हो यहाँ पे कि जाने का मार्ग को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाए, कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए। हमारे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि एक अलग टाइप का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो या सब ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे यही चलता रहता है, तो कुछ बोल नहीं सकते। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, और अगला देखते हैं आसपास कहाँ जाते हैं और क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं था आपका दोस्त रेखा मंसाड़ा। भारत माता की जय, जय श्री शक्ति। हम अभी भी हेमिस में थे, और हमारे को सर दिखे जो 14 महीने से साइकिल पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। सोचिए, मतलब यंगस्टर में वो ताकत नहीं है जो सर के अंदर है। और देखिए अभी ले जा रहे हैं, और गजब देखिए निकल गए।